करनाल के असंत क्षेत्र के गांव की एक लड़की के साथ तीन लोगों द्वारा रेप करने का मामला सामने आया है। महिला थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीन आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। पीड़ित लड़की के भाई ने दर्ज शिकायत में आरोप लगाया है कि बीती 7 अगस्त की रात करीबन 10 बजे उसकी बहन को कई लोग गाड़ी में अपहरण करके ले गए और रात भर गलत काम किया। महिला पुलिस द्वारा लड़की के भाई की शिकायत के बाद केस दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है। इसी मामले में करनाल पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लड़की असंत पुलिस को न मिलकर कैथल सीआईए पुलिस को मिली है और उनके द्वारा लड़की को असंत थाने में छोड़ा गया। उन्होंने बताया कि लड़की मिलने की सूचना पुलिस ने गांव के सरपंच और परिजनों को मोबाइल से उसी दिन रात को ही दे दी थी। सुबह लड़की ने सरपंच और परिजनों की मौजूदगी में कोई रेप का बयान नहीं दिया। अपने घर चले जाने के बाद अगले दिन लड़की के भाई के साथ महिला थाने में पहुंचे और जो शिकायत भाई द्वारा दी गई उसी के आधार पर महिला पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं नियम मुताबिक लड़की का मेडिकल भी करनाल के नागरिक अस्पताल में करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सबूतों के आधार पर ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये मामला क्या है जो लड़की का अपहरण और रेप का सामने आ रहा है और तीन लड़कों के साथ जो है मामला ये कल एक कंप्लेंट जो है महिला थाना असंत में प्राप्त हुई थी। जैसे ही कंप्लेंट आई इसमें इमीडिएटली एफआईआर दर्ज की गई है और इसकी तफ्तीश की जा रही है। वाक्य क्या था, कैसे वारदात हुई? ये एक्चुअली परसों कुछ सूचना आपको सीआईए कैथल की टीम यहाँ से क्रॉस कर रही थी, उन्होंने सूचना दी भी ऐसे ऐसे एक लड़की जो है यहाँ, उन्होंने हाथ दे के गाड़ी रुकवाई है। जो हमने लेडी पुलिस भेज के उसे पूछताछ की गई और लड़की और उसके परिवार वालों ने उस टाइम जो भी स्टेटमेंट दी उनके बयान लिख के और उस टाइम उन्होंने जो कहा था वो वैसे ही स्टेटमेंट लिखी गई और जैसे उन्होंने बाद में कंप्लेंट स्टेटमेंट दी उसके हिसाब से हमने एफआईआर दर्ज की। ये 306D में एफआईआर दर्ज की गई है। तो आरोपी कौन कौन है, कितने आरोपी हैं गिरफ्तारी में? इसमें तीन आरोपी हैं, अभी तफ्तीश चल रही है क्योंकि पहले उन्होंने स्टेटमेंट ये दी थी कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, उसके जो भाई ने उसे कुछ बात कह दी थी, वो फोन पे बात कर रही थी अपने मंगेतर के साथ, कुछ गलत फहमी हुई परिवार में जिसके कारण वो डर के घर से चली गई थी। उसकी वो बात को उसने परसों स्पष्ट किया लेकिन अब जो भी बात है अब वो कह रही है कि मैं दबाव में थी। अब जैसे ही उसने स्टेटमेंट दी हमने केस दर्ज कर लिया और इन्वेस्टिगेशन का मैटर है आगे।